रागिनी आती है रूम में और वो कहती है कि इंजेक्शन जो हम कमल नारायण जी को देते हैं जिससे वो पागल हो चुके हैं, वो एक्चुअली पागल नहीं है, हमारे इंजेक्शन की वजह से उनकी हालत हुई है, तो वो इंजेक्शन ख़त्म हो गया। और रागिनी बोलती है कि वो ख़त्म हो गया और शाम हो गई है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि ऑफकोर्स उनको बेहोश रखना बहुत ज़रूरी है, अगर एक भी दिन इंजेक्शन नहीं मिला तो वो नॉर्मल हो जाएंगे और हमारा जितना भी प्लान है वो सब ख़राब कर देंगे। तो फिर हम लोग यहाँ से इंजेक्शन लेने के लिए निकलते हैं। यही होता है जब प्रॉब्लम आती है तो फिर वापस से हर तरफ से आने लगती है, जितने भी काम किए हैं उल्टे सीधे सब एक साथ खुलने लगते हैं। तो आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलने वाली हैं, तो मुश्किल होगा हैंडल करना। एक आध बार जेल भी जाके आ चुके हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। कहना चाहूँगा कि आप जैसे जितना प्यार हमें दे रहे हैं वैसे ही देते रहिए, और हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करने की, क्योंकि आपका प्यार हमें और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। सो कीप वॉचिंग उड़ान, कीप लविंग। थैंक यू।